मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरपी सिंह आज आप लोगों की एक बात बताने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी भर्ती यूपीपी की पूरी होने जा रही है, उसकी प्रक्रिया। जैसा आज एक और ट्वीट आया है आपके मुख्यमंत्री जी का, कि जैसे ही उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, 40,000 की एक नई भर्ती फ्रेश निकाली जाएगी। तो जिन बच्चों से थोड़ा मोड़ा गलती हो गई है और उनकी एज अभी है और इस फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऑफलाइन क्लास हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 सितंबर सुबह 7 से 10 के लिए। वो आके जो है अपने सपने को साकार कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आप लोगों ने देखा है, ऑनलाइन बच्चे जो भी पढ़ रहे थे, सब बच्चे पछता रहे हैं, ठीक है। वो ऑनलाइन के नाम पे आपका शोषण कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपना व्यू बढ़ाने के लिए आपको 8-8, 10-10 घंटे की मैराथन चला रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के दिन एक दिन पहले तक आपको पढ़ा रहे हैं। जैसा आपको पता ही होना चाहिए कि इंटर हाई स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे, तो एक महीना पहले जो है एग्ज़ाम के लिए छुट्टी हो जाती थी, कि जो भी पढ़ाया गया बच्चे अपना खुद से सेल्फ उसको रिविज़न करें और तैयार करें। अब इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए आप रातों दिन 12 घंटा ऑनलाइन अगर पढ़ेंगे, तो कब अपने साथ स्टडी करेंगे? इसका बहुत बच्चे पछता रहे हैं कि हम सर ऑनलाइन बैच ले लिए थे और 12-12, 13-13 घंटा जो पढ़ तो रहे थे ठीक है, लेकिन जैसे ही पढ़ के हट रहे थे सब भूल जा रहा था। इसलिए इन ऑनलाइन वालों के चक्कर में पढ़ के जो है आप अपना टाइम का बर्बाद मत करिए, नहीं तो अगर उनके एक्सपीरियंस पर चलेंगे आप लोग तो एज खत्म हो जाएगी आपकी, और 2 ही 3 साल एज मिलेगी आपको। इसलिए जो है कि उनके चक्कर में पड़ के आपका भविष्य खराब हो सकता है। तो इस ऑनलाइन का मोह माया छोड़िए, जो सिस्टम बनाया गया उस सिस्टम से पढ़िए, ऑफलाइन वाली क्लास ज्वाइन करिए। और बड़े अच्छे बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 12-12, 15-15 घंटा ये ऑनलाइन लेके एग्ज़ाम के समय तक पढ़ा के बच्चों को खुद से पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा अभी देखें आप लोग ऑनलाइन वालों के एकदम पोल खुल गई है, वो पोल हम लोग नहीं खोले, वो सब आपस में ही पोल खोल रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं कैसे पढ़ाते हैं और क्या उनका पेपर में आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों के चक्कर में पढ़ के अपने समय को बर्बाद मत करिए, और जो पीछे गलती हुई छोड़िए, जान दीजिए। जो 40,000 भर्ती नहीं आ रही है उसके बारे में आप लोग विचार करिए, और जो जो बच्चे क्लास किए हैं सब बच्चे संतुष्ट हैं और अच्छा करके आए हैं, ठीक है। तो वही हम बस कहना चाह रहे थे आपसे कि उम्र का ध्यान रखिए, अगर उम्र चली जाएगी तो फ्री पढ़ के करेंगे क्या आप? फ्री के चक्कर में जो आप अपने समय का बर्बादी कर रहे हैं, ठीक है। तो फीस भी बहुत मामूली से हम लोग रखते हैं, जैसे बच्चे दे सके और धीरे धीरे तैयारी करें। अभी बहुत अच्छा मौका है, यूपीपी की भर्ती अभी नहीं आएगी, कम से कम 5 से 6 महीना लगेगा आपको, यानी मान के चलिए जनवरी फरवरी में आ सकती है। जनवरी फरवरी तक यूपीपी का कोर्स बहुत बढ़िया से विस्तार से फाउंडेशन टाइप्स पढ़ा के जो है हम लोग समाप्त कर सकते हैं। जो बैच 2 महीने में हम लोग समाप्त कर सकते हैं, तो उसको 5-6 महीने में बहुत बढ़िया से बैच जो है, तब तक आप 2 बार रिवाइज कर सकते हैं अपने कोर्स को बहुत बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। आपने देखा ये सब अब अभिरुचि के नाम पे जो है बुक बेचे खूब धड़ल्ले से, एक भी अभिरुचि का क्वेश्चन नहीं आया, बच्चे दिन रात उसी को पढ़ रहे थे। क्या वो जो बता देंगे वो वाजा का पेपर में, क्या वो भगवान है? आप उनको भगवान समझ बैठे हैं। और बहुत बच्चे पछता रहे, आज कल में रोज़ बच्चे फ़ोन करें, सर ऑफलाइन लेके ऑनलाइन लेके हम पछता रहे हैं सर। वो बच्चे आप ऑफलाइन में आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे भटके हुए हैं, उन बच्चों से हमारा यही निवेदन है कि अभी भी उस मोह माया को छोड़िए, कोई भगवान नहीं है आपको, आपके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं वो अपने व्यू के लिए जो इतना पढ़ा रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले कोई 12 घंटा पढ़ा रहा है, किस लिए पढ़ा रहा है? क्या 12 घंटे के आप लेक्चर एक अपने दिमाग में रख सकते हैं? आप कभी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। जो आता रहेगा वो भी आप कन्फ्यूज के कारण जो गलती करके चले आए, इसलिए इन गलतियों से बचिए और बच्चों से बताइए कि एक बार फिर से मौका मिला है। और जो बच्चे हम लोगों से पढ़ें, अपने नोट्स पर विश्वास करिए और देखिए सब कुछ पढ़ाया हुआ आपको आया हुआ था और आएगा भी। आप जहाँ भी हैं ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन करके देख लिया क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो रहा है। ऑफलाइन पढ़िए, घर पे पढ़िए, हाँ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना तो रिवीजन करिए, बुक से पढ़िए तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेकिन फिर वही गलती करेंगे
तो आप उन्हें गलती को आप ही बता सकते हैं। बस हमारा काम बताना आपको, आप जान लीजिए और देख लीजिए क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, ठीक है। तो यही आपसे कहना था कि ऑनलाइन के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, आपको नुकसान होगा। कल जो हम लोग एक बैच न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करिए और समय रहते पूरे कोर्स को कंप्लीट करिए और बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट करिए। बस यही कहना था आपसे कि समय जायज मत करिए, उम्र निकल जाएगी तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। बाय।